ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे धौलपुर की, जहां जिला स्काउट गाइड द्वारा कार्यशाला का किया गया आयोजन। आगे बात होगी पुणे की, जहां पोर्श केस में नाबालिग आरोपी को 14 दिन की जुवेनाइल कस्टडी भेजा गया। साथ ही आगे चर्चा होगी शाजापुर की, जहां काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी द्वारा चलाया गया हरा भरा काला पीपल अभियान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर धौलपुर से, जहां जिला स्काउट गाइड द्वारा आयोजित कौशल विकास एवं अभिरुचि शिविर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत से नो टू ड्रग्स विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट गाइड कौशल विकास प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षाविद पूर्व बीओ बाड़ी बच्चू सिंह मीणा ने नशे को नकारात्मक बताते हुए कहा कि नशा हमारे बीच एक सामाजिक समस्या के रूप में मौजूद है, जो सभी व्यसनों का बाप है। 12 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्ग आयु तक के लोग एक आम नशा तंबाकू से ग्रसित हैं। संपूर्ण विश्व में नशा एक जाल की तरह फैला हुआ है और इससे बचने के लिए बहुत से ठोस और सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य संस्कृत विद्यालय धौलपुर राघवेंद्र शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी चीज़ का अति प्रयोग नशा है, जो नाश की जड़ है। आजकल नवयुवकों में इसका फैशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। नवयुवक झूठी आधुनिकता के नाम पर अपने जीवन के साथ खेल कर रहे हैं। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़कर कहानी में वृत्तांत सुनाकर नशा छोड़ने की नसीहत दी। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि हमको जीवन में नशा नहीं करना चाहिए, इसके लिए संकल्प लें। नशा मुक्ति के लिए नशा करने वाले व्यक्ति के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, जिससे वो नशा ना करने के लिए प्रेरित हो। कार्यशाला में उपस्थित सभी स्वयंसेवी एवं छात्राओं ने नशा मुक्ति पर अपने विचार रखे और कहा कि वो नशे के हानिकारक प्रभाव के वीडियो बनाकर लोगों में नशा ना करने के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और नशा मुक्त होने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां छठे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर सुगौली में शांतिपूर्वक मतदान शुरू हुआ। कुछ मतदान केंद्रों पर मॉकपोल में थोड़ी गड़बड़ी आई थी, जिसे तुरंत सुधार किया गया। बता दें जिसके बाद मतदान शुरू किया गया, जबकि प्रखंड के बूथ संख्या 172 पर ईवीएम के 3 नंबर बटन में आई खराबी के कारण करीब आधा घंटा मतदान बाधित रहा, जिसके बाद ईवीएम बदलने पर मतदान शुरू हुआ। वहीं मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। शुरुआती दौर में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ रही, जो सुबह से कतारबद्ध खड़े रहे। कड़ी धूप व उमस के बावजूद भी लोग अपना मतदान करने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। वहीं दोपहर में मतदाताओं की भीड़ नहीं रही। अधिकांश बूथों पर पंडाल के नहीं होने के कारण तेज धूप व उमस से मतदाता परेशान रहे, फिर भी उन्हें लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना था। वहीं सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए, जबकि अधिकारी व पुलिस बल गश्त करती रही। वहीं पहली बार वोट देते हुए युवा व युवती काफी उत्साहित दिखे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पुणे से है, जहां कल्याणी नगर में रात 2:30 पर हुए कार हादसे में मारे गए अनिस अवधिया और अश्विनी कोस्टा केस में गाड़ी चला रहे नाबालिग आरोपी को 14 दिन की जुवेनाइल कस्टडी मिली और नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल कोजी और ब्लॉक पब के मालिक और व्यवस्थापक की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इस केस में लापरवाही करने के कारण येरवडा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर राहुल जगदाले और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विश्वनाथ तोटकरी को पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने सस्पेंड कर दिया है। पुणे महानगर पालिका और एक्साइज शराबबंदी खाता एक्शन मोड पर आया है। कानून तोड़ने वाले पब रेस्टोरेंट के ऊपर कार्यवाही हो रही है। भ्रष्ट प्रशासन के विरोध में नागरिकों का आक्रोश अभी भी उमड़ रहा है। शहरा मध्ये कल्याणी नगर मध्ये मोठी घटना घडली। एक मुलगा एक मुलीला पोर्च कार्डने उडावलं। 17 वर्षाचा नाबालिग पोरगा होता, तो पब मध्ये गेला असता। पब मध्ये जाऊन त्यांनी हा घातपात केलेला आहे आणि पब मधल्या मालकांनी त्या तिकडच्या सिक्युरिटी गार्डनी त्या मुलाला आतमध्ये का घेतलं, बरं घेतलं असन त्याची चौकशी नाही केली आणि त्याच्यामुळं दोन जे आईबापांचे जे करते धरते मुलं होते ते आज या जगातून गेलेले आहेत, त्याची भरपाई कोण करणार? आणि त्याच्यामध्ये असं त्याला चौकीमध्ये घेऊन गेले असता। तारीख रविवार के दिन रात को 1:30 के दरमियान जो हादसा हुआ है, जिस लड़के ने नाबालिग लड़के ने दो लड़कों को गाड़ी से कुचला गया, वो लड़का नाबालिग था। वो पब में कैसे गया,
और वो उसे पब वाले ने अंदर कैसे जाने दिया उस नाबालिग लड़के को, और जो गाड़ी वो चला रहा था पोर्चेस गाड़ी वो अनरजिस्टर्ड थी, वो 4 महीने से ऑन रोड पर कैसे चल रही थी। इन सब वारदात के बावजूद जो पुलिस प्रशासन ने जो क्रिया करनी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन उसको VIP ट्रीटमेंट दे रहा था, वो किस हिसाब से दे रहा था? क्या गरीबों के लिए एक अलग न्याय है, अमीरों के लिए एक न्याय है? सदियों से जो चल रहा है अमीर लोग गरीबों को पैरों तले कुचला जा रहा है, क्या यही न्याय व्यवस्था है? अधीक्षक राजपूत सर, इनकी अभी हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं, उन्होंने अभी क्या हार्ड एंड फास्ट कार्रवाई की है जो अनऑथोराइज पब्स है उसके ऊपर, उसकी हम अभी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। पुणे डिपार्टमेंट की तरफ से लास्ट 2-3 डेज में 14 हमारे जो भी फ्लाइंग स्क्वाड्स है उनके द्वारा नियर अबाउट 60 जगह पे वेरिफिकेशन हुआ है और 50 से ज़्यादा जगह पे कार्रवाई भी की गई है, और उसमें आज तक का ये 40 जो FL3 लाइसेंस है जो हम बार बोलते हैं तो उस पर कार्रवाई की गई है, और उसके अलावा और भी 10 से 15 बार बंद होने के लिए हमने प्रस्तावित माननीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ किया गया है। और ये घटना को देखते हुए हमने सभी लाइसेंस होल्डर और जो भी हमारे नीचे की स्टाफ है, अथॉरिटी है, उनको प्रॉपर जो कि रूल के हिसाब से जो भी है इम्प्लीमेंटेशन, जो भी नियमावली में जो लिखा गया है उसके हिसाब से लिकर सर से लेके टाइमिंग से लेके सब सूचना दी गई है। इसमें जो भी कोई इसमें कोई विसंगति या तो जो भी कुछ गलत चीज़ें सामने आती है तो उसको पर्सनली वो लाइसेंस होल्डर को रिस्पॉन्सिबल किया जाए, पकड़ा जाएगा और उसका उसके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। और इसके अलावा ये घटना के पहले भी हमने 1 से 1.5 महीना में नियर अबाउट 100 के ऊपर हमने ये लाइसेंस के ऊपर हमने केसेस दर्ज की है। हमने जो प्रॉपर हमारा जो चार्जशीट फाइल होता है वो डिपार्टमेंटल एक्शंस लिए गए हैं और अभी भी इसके आगे भी ये एक्शन चालू रहेगा, जारी रहेगा। थैंक यू। नागरिकों का, महाराष्ट्र के नागरिकों का और पूरे देश की जनता का आक्रोश, जो एक्सीडेंट, जो हादसा पुणे के कल्याणी नगर में हुआ था जहां पे अनिस औदिया और अश्विनी कोष्टक की जान गई थी, उस हादसे का जो आरोपी है जिसने अलीशान पोर्श गाड़ी से युवक युवती को उड़ाया था, उनकी मौत का वो जिम्मेदार बना था, वो अल्पवयीन आरोपी को जुवेनाइल 14 दिन की कस्टडी मिल गई है। उसके पिता जिसने उसके बेटे के अल्पवयीन बेटे के हाथ में जो पोर्श अलीशान गाड़ी दी थी, वो विशाल अग्रवाल जिस पब में वो नाबालिग लड़का गया था, वो ब्लैक पब कोजी पब के ओनर्स को और उनके मैनेजमेंट करने वालों को जुडिशियल कस्टडी मिल गई है। और पुणे महानगर पालिका और एक्साइज डिपार्टमेंट पूरे एक्शन मोड पे आ गया है। कानून तोड़ने वाले पब्स के ऊपर अभी कार्रवाई जोर से चालू है, उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हैं। मगर जनता का सवाल है कि अगर ये कार्रवाई पुणे के पुलिस कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, RTO के वरिष्ठ अधिकारी, इन्होंने अगर ये अपने डिपार्टमेंट के ऊपर उनका अगर सख्त होल्ड अगर होता था, वो जो डिपार्टमेंट, जो ये व्यवस्था संभालने वाले जो भी कर्मचारी अधिकारी है उनका अगर पूरा ध्यान होता था तो ये हादसा नहीं होता था। 4 महीने वो गाड़ी विदाउट रजिस्ट्रेशन के अलीशान गाड़ी पुणे के सड़कों पे घूम रही थी, नाबालिग लड़का विदाउट किसी उसको रुकाए वो पब में जा रहा था, 1:30 बजे के बाद भी पब चालू थे, जो कि कानूनन वो गलत है, वो रॉन्ग है। तो ये पूरे घटना को लेकर नागरिकों का बहुत इसके ऊपर आक्रोश है और अभी भी वो चल रहा है। पूरे पुणे में शोक सभाएं आयोजित की जा रही है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वो अनिस औदिया और अश्विनी कोष्टा उनके परिवार के कमाने वाले सदस्य थे, उनके जाने के बाद वो परिवार का क्या होगा किसी ने विचार नहीं किया। कैमरामैन सचिन माइकलवार के साथ संवाददाता विपुल साठे, सी न्यूज भारत पुणे। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है जहां वातावरण का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। हर वर्ष गर्मी का प्रकोप बढ़ ही रहा है जिसके कारण वृक्षों का कम होना, लगातार वृक्षों की कटाई की जा रही है, लेकिन
उसी अनुपात में नए वृक्ष तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के द्वारा विधानसभा कालापीपल में हरा भरा कालापीपल अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर विधायक निवास पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि किस प्रकार से कालापीपल विधानसभा को हरा भरा कालापीपल बनाया जाए और सभी कार्यकर्ताओं से अधिक वृक्षारोपण पर जोर देने का विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने आग्रह किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता सहित नगरवासी मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता महिला ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर कानपुर ले जाने और कानपुर में जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप एक युवक पर लगाया है। खास बात तो यह है कि आरोपी के चंगुल से मुक्त होकर महिला ने जब इसकी शिकायत अपने पति के साथ नरवर थाने में दर्ज कराई तो पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद महिला ने इसकी शिकायत शिवपुरी पुलिस अधीक्षक हेल्प डेस्क पर दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद भी नरवर थाना पुलिस महिला की सुनवाई नहीं कर रही है। जानकारी के अनुसार नरवर कस्बे की रहने वाली महिला ने बताया कि बल्लू उर्फ राजकुमार कुशवाहा ने किराए से कमरा लेने के नाम पर उसे जान पहचान बनाई और जानकारी के अनुसार फिर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर बल्लू कुशवाहा ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसी दौरान 15 मई 2024 को बल्लू कुशवाहा ने फोन कर मुझे नरवर बस स्टैंड पर बुलाया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बल्लू मुझे और मेरे बच्चे को शिवपुरी ले गया। यहां से झांसी फिर कानपुर ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया। इसके बाद बल्लू मुझे झांसी में छोड़कर भाग गया। मैं नरवर लौट कर आई और पूरी बात अपने पति को बताई। नरवर थाने पर रिपोर्ट करने गई, लेकिन पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। महिला ने आरोपी से जान का खतरा बताते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की मांग की है। आप थाने में बैठे हो, क्या समस्या है आपको? मेरी ये समस्या है कि मैं सपना कुशवाहा नरवर से रहती हूँ। मेरे संग एक लड़का बल्लू कुशवाहा ले गया था, बेला सत्तानपुर के लड़का है, बेला कुशवाहा कर बच्चों को धमकी दिया था, धमकी दिया कर मुझे सीपरी ले गया था, सीपरी से झांसी, झांसी से कानपुर ले गया था। ले जाने के बाद में मेरे संग गलत काम करने के बाद में मुझे छोड़ गया था झांसी लेकर बच्चों। मैं जैसी तैसी नरवर पहुंचा, नरवर पहुंच आके जहाँ पे आके मेरी अपनी पति को बताया, पति बताया कि नरवर थाने से मैं चार दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी कोई कुछ भी नहीं सुनवाई करता है। दो बजे एस पी ने फिर आया, वहाँ से बिना कह दिया कि तुम चले जाओ नरवर में, बिना कोई नहीं सुनता मेरी। एस पी ने जाने के बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ भी नहीं सुनवाई, आठ दिनों के चक्कर, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे को बहुत परेशान है, मैं कोई कुछ भी नहीं सुनता मेरी। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।